नमस्कार सभी को, मैं हूँ श्रीश, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। तो भाई आज जो है देख सकते हो मेरे मुंह से टेम्परेचर कितना ज़्यादा कम है, 3 डिग्री सेल्सियस है। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बल कोई काम है वहाँ पे, उसके सुबह निकलना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर तो आपको इतना फॉग मिलेगा नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो है हरियाणा वाले रूट में हमको बहुत ज़्यादा भयंकर वाला फॉग मिलने वाला है। तो उसका एक मैंने जुगाड़ करा है, वो आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो है एक बार गाड़ी कोल्ड स्टार्ट में लगा देता हूँ। कभी भी आप इतनी सुबह लेके जाओ ना, तो हमेशा आपको जो है एक बार कोर्स स्टार्ट कर लेनी चाहिए 2-3 मिनट के लिए। आप खतरनाक फील है, खतरनाक, पूरा देखो फॉग जम रही है कांच के ऊपर। लो फ्यूल की बत्ती जल चुकी है, गाड़ी हमारी कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। और एक बार इसको होने देते हैं, उसके बाद में चलाएंगे एसी वगैरह, डिफॉगर वगैरह, क्योंकि ये भी तभी काम करेंगे जब गाड़ी का इंजन एक बार थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और ये अंदर से ही बाहर से, ये बाहर से है, तो इसको तो ऐसे हटा सकते हैं। पर थोड़ा सा पानी मार लेता हूँ। बहुत ही हालत ख़राब है भाई, बहुत ही हालत ख़राब। इसमें एक बार टेम्परेचर देखते हैं गाड़ी के अंदर कितना हो रहा है। 9 डिग्री गाड़ी के अंदर बता रहा है, 9 डिग्री जो है भाई गाड़ी के अंदर बता रहा है, लेकिन टेम्परेचर है ना भाई 3 डिग्री है, गूगल पे मैंने देखा था। तो भाई वैसे तो क्या है, गाड़ियों को इतनी तकलीफ आती नहीं है। जो लोग अब दिखाते ना 1 डिग्री के अंदर स्टार्ट करके कि भाई गाड़ी देखो कैसे हो रही है, तो पुराने वाला टाइम नहीं है। आजकल जो है हो जाती है, आजकल गाड़ियाँ इस तरीके से बनी हुई होती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से झेल लेती है इतना टेम्परेचर। तो बाकी आपको कुछ लाइट के अंदर फर्क दिख रहा होगा, ये देखो ये वाली जो लाइट है ना नीचे वाली, इसको जो है इसके ऊपर मैंने येलो फिल्म चढ़ा रखी है। एक बार पूरी दिखाता हूँ, देखो आपको, ये देखो भाई पूरी येलो फिल्म चढ़ा रखी है, जिससे क्या होता है फॉग कटने में ज़्यादा आसानी रहती है इसके अंदर। चेक करते हैं कि आज चल के अपन जब खुद चलाएंगे ना, तब पता चलेगा कि भाई कितना काटते कितना नहीं काटते। बाकी तो भी चलते हैं फटाफट से, कोल्ड स्टार्ट भी ऑलमोस्ट हो ही गई 1.5-2 मिनट की। इतनी सुबह सुबह पेट्रोल डलवाने आ गए कि पेट्रोल पम्प भी बंद था, और पूरी सुनसान सड़क पड़ी है, देखो कोई भी नहीं है। बहुत एक दो लोग होंगे, कोई पेपर वेपर वाले दूध बाद वाले होंगे जो होंगे, बाकी चाय की ठड़ी खुली है, पूरी रोड सुनसान है। टैंक तो अपना हो गया फुल, पूरा 4200 का जो है ना इसके अंदर फ्यूल आया, और 4200 में लेकिन फिर भी जो है एक डंडा कम दिखा रही है, वो थोड़ी चलेगी तो हो जाएगा एडजस्ट वगैरह, बाकी हवा वगैरह भी चलेगी तो अपने आप इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। ये है 200 फीट बाईपास, जो 200 फीट की पुलिया है, पूरा सीधे दिल्ली निकलती है। बस एक बार लेफ्ट हमको मुड़ना पड़ेगा, जो हमको सीधा दिल्ली पहुंचा देगा। बाकी अभी जो है पूरा घर से आ चुके हैं 11.6 किलोमीटर, और अभी तक तो इतना ज़्यादा कोई फॉग मिला नहीं। गूगल मैप मैंने चालू कर रखे हैं, जो फॉग वगैरह के अंदर जो हमको पता लग जाएगा, जिससे कि कर्व वगैरह कहाँ पर आ रहे हैं कहाँ पर नहीं आ रहे। और ट्रक वगैरह भी जो है धीरे चल रहा है, क्रूज मैंने सेट कर रखा है 80 के ऊपर, और 80 पे लेकर चल रहा हूँ, कोई इतनी ज़्यादा जल्दी मुझे है नहीं। बाकी एक बार ऊपर से अगर आप देखो तो भाई देखो ऊपर की तरफ तो हमको डेफिनेटली आगे फॉग मिलेगा भयंकर वाला। तो भाई फॉग बहुत भयंकर तरीके से आ चुका है, इतना ज़्यादा नहीं है, हालांकि सामने से 50-1 मीटर की तो विजिबिलिटी है, पर फिर भी बहुत बुरा फॉग है। देखो साइड से कुछ नहीं दिख रहा, सामने भी बहुत मिनिमम दिख रहा है, और मैंने स्पीड जो मेंटेन कर रखी है वो 60-65 के बीच में कर रखी है। लोग बाग ये गलती करते हैं इस टाइम पे कि हज़ार्ड लैंप जला लेते हैं, वो नहीं जलाना चाहिए, वो वार्निंग होती है कि भाई गाड़ी आगे रुकी हुई है, तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। लेकिन यार क्या कर सकते हैं, मजबूरी में इंसान जब कुछ भी नहीं कर पाता, बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो जाती है ना, तो लोग बाग अच्छे अच्छे जो है डर जाते हैं, सबको अपनी जान की परवाह होती है भाई। तो ऐसे टाइम पे बिल्कुल धीरे धीरे चलो, और सबसे ज़्यादा बेहतर यही होगा कि अपनी गाड़ी की लाइट, फॉग लैंप वगैरह सब जला जलू के किसी भी ट्रक के या किसी टैक्सी गाड़ी के पीछे लगा लो। टैक्सी गाड़ी वगैरह वालों को जो पूरा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस होता है, तो वो आराम से आपको बीच में से ले जाते हैं। अब जैसे मैंने इस ट्रक को फॉलो कर रखा है, मैं ओवरटेक कुछ भी नहीं कर रहा, बस इस ट्रक के पीछे पीछे चल रहा हूँ, अगर ये रुकेगा तो मैं भी धीरे कर लूँगा अपनी गाड़ी। और विजिबिलिटी देखो सब धीरे धीरे रुक रहे हैं, बिल्कुल फॉग, ये देखो क्या हालत है फॉग की, कुछ भी नहीं दिख रहा। हालांकि ये टोल प्लाजा है, ये मैंने इसमें देख लिया मैप पे कि आगे टोल प्लाजा आ गया, और ये देख लो कहाँ पर किस लाइन में जाना है ना, ये भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो अब देखो ये ट्रक वाला जैसे इस लाइन में चल गया, तो पीछे पीछे इसके मैंने भी लगा दी। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम फॉग है कि जो जयपुर टू दिल्ली का रूट होता है ना, वहाँ पर क्या होता है टू व्हीलर वाले काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग क्या कर रखे हैं साइड के अंदर बैठ के आग तपा के आराम से बैठे हैं, और मैं कर रहा हूँ उस बस को फॉलो। और साइड में लोगों की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई है जो हज़ार्ड लैंप जला के और आग तप रहे हैं आराम से, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग है ना, टू व्हीलर वालों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो गाड़ी वाले तो धीरे धीरे चल सकते हैं, तो मैं भी 40-50, 40-50, 60 जितनी स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ, और उस लाल बस को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ 10-15 किलोमीटर से, आराम से है ना खींचता हुआ लेके जा रहा है। भाई आज का हमारा दूसरा टोल है, और वो बस तो कभी रुक चुकी, ये वर्टेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और यहाँ पर लोग बाग की भीड़ देखो आप, यहीं पर काफ़ी सारे लोग बाग रुके हुए हैं,
और ये हमारा हो चुका है ग्रीन लाइट, तो हमको चलना चाहिए। अब एक बार यार साइड में रुको, सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ ये लगती है यार फॉग वगैरह कुछ भी हो, बाथरूम आ जाता है ना यार, बहुत ज़्यादा इरिटेशन एकदम भयंकर हो जाती है। अभी गाड़ी साइड में रोकता हूँ और लघुशंका ब्रेक लेते हैं एक बार। ये देख लो भाई, सामने टोल प्लाजा है और पूरा फॉग 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 हर तरफ, चारों तरफ जो है ना फॉग हो रहा है, और इतनी ठंडे की जबान भी लड़खड़ा रही है भाई बोलने में। और आपके थोड़ा सा आगे चल के दिखाऊं तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जो कवर मैं कर लेता हूँ ना एक घंटे के अंदर, उसके अंदर आज मुझे 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं कवर करने में, क्योंकि स्पीड 40-50-60 से ऊपर आ ही नहीं रही यार। और यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी एकदम दबा के लगाई है मैंने, एकदम दबा के, जिससे कोई अगर कोई आ नहीं जाए, और पूरा फॉग ही फॉग हो रहा है। क्योंकि यार ट्रैफिक भी है ना, तो ट्रैफिक का एक फ़ायदा ज़रूर रहता है कि आप जो है किसी भी गाड़ी के पीछे लगा लो और आराम से सब धीरे धीरे साथ में मिलकर चलते हैं ना, तो विजिबिलिटी बनी रहती है, वरना मामला ख़राब हो जाता है। तो अभी मैंने ब्रेक किया है वॉशरूम का एक बार, और अब वापस से चलते हैं, मौसम तोड़ेंगे नहीं, चलते हैं फटाफट से। भाई फॉग की बात करूँ ना, तो इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम फॉग था, हालांकि मैं वहाँ पर ही कैमरा उठा रहा था जहाँ पे मैं कैमरा उठा के व्लॉग कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ, क्योंकि इतना एक्सट्रीम फॉग आ जाता है ना कि पूरा ध्यान जो है पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना पूरा डेडिकेट हो जाता हूँ गाड़ी चलाते वक्त। भाई इतने घंटों में मात्र 126 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो कवर हुआ है, और वापस से वॉशरूम ब्रेक लग गया। मतलब मुझे लगता है यार सर्दियों के अंदर तो है ना, बस सर्दियों के अंदर तो यार आता ही आता है मतलब। और आप ये देखो वहाँ पर ना भी नहीं दिख रहा एकदम जीरो, और अभी तो हमने जो है ना राजस्थान क्रॉस भी नहीं किया, और ये जो पन्नी इस पर लगाई थी ना ये तो उतर गई थी, अभी वापस से चिपकाई है और फॉग लैंप वाली तो उतर के निकल ही गई, तो गाड़ी गंदी भी हो रही है। देखो आगे से क्या हालत हो रखी है, पूरा जो है ना धुआं धुआं उड़ के ये लग जाता है गाड़ी के ऊपर, पूरी गाड़ी बहुत तरीके से गंदी हो रही है। और अभी यहाँ पर पीएंगे चाय ठंड के अंदर, क्योंकि यार एक सहारा चाय है, एस्टिमेटेड टाइम पहुँचने का बता रहा है वो लगभग 12:30 से 1 बजे के बीच में जो है पहुँचूंगा। अभी यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे लूँगा, फिर सीधा जो है क्रूज पे डालूंगा गाड़ी को 100 की, अगर फॉग नहीं हुआ तो। मेन प्रॉब्लम ये भी है कि बीच में से कभी गाय आ जाती है और कभी लोग बाग क्रॉस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। फिलहाल अभी तो पीते हैं चाय, सड़क पर ज़्यादातर खड़ी नहीं होते, पता चला अपना हो गया, बहुत भयंकर ठंड है यार भाई। बीच में तो इतना खतरनाक फॉग आया था ना, मतलब जिस बस को मैं फॉलो करके चल रहा था इतना खतरनाक फॉग आया था कि पापा ने बोला बेटा साइड में लगा ले बेटा, यहाँ पे आगे ले ही मत, पर खुद पे कॉन्फिडेंस था और थोड़ी बहुत विजिबिलिटी, क्योंकि पापा तो पीछे बैठे थे तो इतना ज़्यादा दिखता भी नहीं पीछे से, लेकिन आगे से ना थोड़ी 30-35-40 मीटर की आराम से विजिबिलिटी दिख रही थी, तो इसलिए आराम से मैं कॉन्फिडेंटली चल गया। हालांकि ऐसा भी टाइम आया बीच में कि यार कोई गाड़ी नहीं चल रही अपने आगे, तो फिर उस टाइम पे क्या करें, तो उस टाइम पे क्या किया जो साइड की पट्टियाँ होती हैं ना उसको फॉलो करते करते चलाऊँ। लेकिन क्या होता कई बार यार दिल्ली हाईवे ऐसा हाईवे है ना कि यहाँ पर क्या है कई बार ट्रक वगैरह की ओवरलोड वगैरह की होने से जो सड़क है ना वो थोड़ी सी अनइवन हो गई, तो वहाँ पर क्या है कि पट्टी वगैरह भी सब मिट्टी भी रहती है, तो ऐसी सड़कों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा संभल के चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि यार लोग बाग तो भाई साहब कई लोगों को देखा ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं ना यार, इतनी स्पीड में चलाते हैं 100 पे एकदम भगा रहे हैं, अंधाधुंध दिख नहीं रहा फिर भी भगा रहे हैं, पता नहीं कैसे चलाते हैं, कोई परिवार की फिक्र है नहीं है, भगवान जाने क्या है। खैर अभी तो पीते हैं चाय, भाई ठंड का एकमात्र सहारा चाय लिए, और आप अगर देख पाओ ना धीरे धीरे तो ड्रिजलिंग सी हो रही है, हल्की ओस के हाथों पे गिर रही है, तो ऐसे फील हो रहा है पूरा कि हाँ भाई ठंड है बहुत ज़्यादा। ओस की वजह से देखो पूरा कीचड़ कीचड़ जमा हो गया गाड़ी के अंदर, बाहर जाते हैं तो मिट्टी भी गीली रहती है, फिर अंदर बैठते हैं ना तो पूरी ओस जमा हो जाती है, एक बार में तो गेट बंद होता ही नहीं, बहुत जोर से खींच के मारनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा ठंड है जोर ही नहीं लग रहा। ये देखो गाइस हमको रास्ते में क्या मिला, बोलेरो जिसके ऊपर बोरोलिन की एडोर की विद्या बालन बनी हुई है, और देखो क्या लिखा हुआ है, आज से बोरोलिन हर रात। भाई हर रात का क्या मतलब है दिन में नहीं लगा सकता इंसान, इतने ज़्यादा नोटी हो रहे हैं यार ये लोग, जिसकी कोई हद नहीं है भाई, खतरनाक लेवल का एडवर्टाइजमेंट है भाई, पता नहीं क्या टोकरा लगा के घूम रहे हैं यार। टोटल अभी हमने कवर कर लिया 175 किलोमीटर, और यहाँ पर जो है जाम में फंस गई, ये जो है पूरा रेड दिखा रहा है, मतलब आगे कोई ना कोई एक्सीडेंट है, सारी गाड़ियाँ रुक गई भाई यहाँ पर, उधर की तरफ नहीं इधर की तरफ ही है, कोई ज़्यादा फॉग वगैरह भी नहीं है, तो मतलब कोई ना कोई ज़रूर एक्सीडेंट हुआ है। ये देखो ये हुआ है ना, ये एक्सीडेंट हो गया, ये देखो भाई साहब ये एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रक ही मिला है कोई इसको। तो अभी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर आ चुका हूँ, 220 किलोमीटर, और एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लिया था थोड़ा सा, और एक बार वापस से थोड़ा सा शरीर खोल, क्योंकि बैठे बैठे क्या शरीर अकड़ जाता है, पैरों में भी दर्द होने लग जाता है यार, क्योंकि क्या है एक पोजीशन पे पैर रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर ली। दिल्ली स्टार्ट होते ही फॉग जो है वापस से चालू हो चुका है, और हमको जाना है लेफ्ट, यहाँ से हमको चढ़ना है ईस्टर्न पेरिफेरल, जो हालांकि ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है लेकिन आधा पौन घंटे का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि दिल्ली में इतना खतरनाक ट्रैफिक मिलता है ना इस टाइम पे,
तो ये चल जाओ बाहर बाहर से ले जाता है दिल्ली के एकदम खाली, और पुलिस वालों की टेंशन भी नहीं रहती क्योंकि क्या होता है डीजल पेट्रोल का वहाँ पे बहुत ज़्यादा लफड़े चल रहे हैं अभी दिल्ली वगैरह में, ज़्यादा गाड़ियों को एंट्री नहीं देते, तो इसलिए हम जो है यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो जब मैं ईस्टर्न फेरी फेरल पे चढ़ा था तब रोड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक बड़ा सारा बोर्ड आया ईस्टर्न फेरी फेरल अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में रोड इतना शानदार मिला। और यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है ना वो 120 की है, तो आप देख पा रहे होंगे गाड़ी का जो एवरेज आ रहा है अभी कितना आ रहा है 19.3 का, तो 19 का एवरेज यहाँ पर गाड़ी निकाल रही है, जो रास्ते में हमको 21 का एवरेज मिल रहा था ना वो ड्रॉप होके और 19 पे आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से गाड़ी चलती है, बाकी ज़्यादा तेज़ चलानी नहीं है, धीरे चलानी, क्योंकि ऐसे पैचेस जैसे अभी ख़राब पैच आ गया ना वैसे बीच बीच में ख़राब पैच आ रहे, और यहाँ से जो है ना वापस वॉक चालू हो गया, तो इसलिए अब वापस से जो है धीरे चला रहे हैं गाड़ी, बाकी ये रास्ता पूरा अटाली। तो शिमला वगैरह भी जाना हो ना तो ये रूट ले सकते हो आप, बहुत बढ़िया रोड है, आराम से आपको शिमला पहुँचा देगा ये रोड। भाई इतने फर्जी लोग भरे हैं ना दुनिया के अंदर, क्या बताऊँ। अभी जिस सामने जो गाड़ी चल रही थी ना टोल तोड़ के भाग गया, मतलब उसको बोला कि भाई टोल कटवा, नहीं कटवाया, पहले तो कुछ कार्ड वगैरह दिखाया, फिर कार्ड वगैरह देखने के बाद में नहीं माने तो टोल ही तोड़ के भाग गया भाई। तो भाई अभी ईस्टर्न फेरी फेरल से उतर के आ चुका हूँ नोएडा, और ग्रेटर नोएडा के अंदर हैं अभी हम, और यहाँ की एक बार रोड देखो भाई, क्या गजब की रोड बनी हुई है और कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है, ऊपर से आप मेट्रो की लाइन देख सकते हो, लाइट्स देख सकते हो, बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हो, और मतलब पूरा इतना बढ़िया और साफ़ सुथरा है ना, अब क्या बताऊँ, इतनी मतलब यूपी की हालत जो सुधारी है ना योगी जी ने, बहुत ही गजब काम कर दिया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। पहले लोग बाग यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट लाने में डरते थे, अब दिल्ली के लोग जो दिल्ली में रहते हैं दिल्ली से शिफ्ट होकर नोएडा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई है, भीड़ भाड़ नहीं है, और क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। वही लगभग 5:30 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे पीछे बसंत ढाबा। एक्चुअली जो नोएडा में काम था वो कर करा के वापस ईस्टर्न फेरी फेरल पकड़ के और सीधे यहाँ पर आके रुके हैं, एक छोटा सा चाय ब्रेक लिया है, नाश्ता वाश्ता ब्रेक लिया, खाना तो अभी टाइम है नहीं खाना खाने का, तो इसलिए रात को ही खाएंगे, बाकी इधर रुके थे। और जो ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर आ चुके हैं अभी, और एक स्ट्रेचिंग भी हो जाती है पूरी बढ़िया, मतलब हाईवे पे इतने बेवकूफ़ लोग मिलते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब यार एक बार बताऊँ ईस्टर्न फेरी फेरल जहाँ पे 120 किलोमीटर वहाँ पे स्पीड लेन के अंदर एक ट्रक चला रहा था 50 की स्पीड में, पूरा मोशन जो होता है ना गाड़ी का वो तुड़वा दिया, और वापस से मोशन बनाने में ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन यार फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी लगता है ये देखा जाए तो बस इरीटेशन से होती है, बाकी ठंड तो अभी भी बहुत खतरनाक है। और खैर इसलिए जल्दी भी कर रहा हूँ मैं क्योंकि जो है जयपुर में एक बार एंटर हो जाए ना फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हरियाणा वाला बेल्ट है ना इसको क्रॉस करना ज़रूरी है अंधेरा होने से पहले, नहीं तो अंधेरा होते ही वापस यहाँ पर जो है ना फॉग चालू हो जाएगा, इसलिए हम खाना भी यहाँ पर निकाल रहे, खाना भी हम इसलिए आगे खाएंगे, यहाँ पर एक बार टी ब्रेक तो लेना ही पड़ता है यार क्योंकि पैर वगैरह दुख जाते हैं, अब मैनुअल तो मैनुअल ही होती है, कुछ भी बोलो ऑटोमेटिक क्यों नहीं कर सकते मैनुअल को भी। ये देखो भाई यहाँ पर ये गाड़ियाँ रखी हुई है बच्चों की, और ये ट्रैक्टर है, हालांकि आर्टिफिशियल ट्रैक्टर है पर बढ़िया लग रहा है देखने में यार, इस साइज़ का जो ट्रैक्टर हो ह्यूज कितना बढ़िया लगता है देखने में। बाकी अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, हालत दिखाऊंगा अभी गाड़ी की, बहुत गंदी हो रखी है, और यार कौन ही खरीदता होगा इन दुकानों से यार कपड़े, मेरे को तो समझ में नहीं आता, यहाँ पर बाहर भी बैठे हो सकते हो, उधर पार्किंग है, उधर बच्चों का प्ले एरिया, खैर नॉर्मल ही है, अभी ढंग से नहीं बचे। और देखो अंधेरा होने लग गया और हल्का हल्का फॉग जमा होने लग गया, जैसे जैसे अंधेरा हो जाएगा, जैसे जैसे सूरज डूबेगा ना वैसे पूरा अंधेरा हो जाएगा ये, इसलिए अंधेरा होने से पहले हरियाणा क्रॉस करना है जिससे कोहरा ना मिले। गाड़ी की हालत देख लो भाई, सफ़ेद कलर है ना इसलिए दिखेगा नहीं इतना, बाकी ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो भाई जूम करने में पता लगेगा, और थोड़ा सा पास से दिखाऊंगा ना तो आपको हालत पता लगेगी, क्योंकि वाइट कलर है, दूर से तो गाड़ी साफ ही दिखती है, ये देखो ये पूरी बॉडी ऐसे गंदी हो रखी गाड़ी की, कितनी बुरी हालत हो रखी गाड़ी की। तेरी भाई लड़ाई हो गई खतरनाक, बस एक्सीडेंट हो गया, जब बच के चलानी चाहिए सच में यार। बाकी यहाँ तो पूरा जाम है इसलिए सर्विस लेन में अभी हम आ चुके हैं, सर्विस लेन में कहाँ 21 का एवरेज था, कहाँ 17.7 का एवरेज आ गया देखते देखते, और हम कहाँ खुली रोडों पे थे और ये कहाँ ट्रैफिक जाम आ गया। दिल्ली से निकलने के बाद ये जो पुल बन रहा है ना भाई, इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना यहाँ पे अभी इस टाइम पे, ट्रैफिक जाम जिसकी कोई हद नहीं, इतनी इरीटेशन होती है ना यहाँ पर गाड़ी चलाने में ट्रैफिक में,
मतलब भले ही 10-15-20 किलोमीटर और चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ट्रैफिक जाम में जो क्लच बार बार, गियर बार बार, और ये तो खैर सफारी का तो क्लच भी थोड़ा सा सेंसिटिव सा ही आता है, तो इसलिए बहुत इरिटेशन सी होती है। खैर यहाँ से निकलते हैं, और इनको देखो मूर्खों को यहाँ पर कहाँ फंसाई है इन्होंने गाड़ी। तो गाइज आज की टोटल ट्रिप जो है 540 किलोमीटर की हो चुकी है, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना फॉग स्टार्ट हो गया है वापस रात को, जैसा कि मैंने बोला था, लेकिन जो है हमने ब्रेक लिया है यहाँ पे ओल्ड राव के अंदर, तो ओल्ड राव के अंदर अभी ब्रेक लिया है, यहाँ पे खाना वाना खाएंगे और फिर उसके बाद में जो है घर की तरफ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कितनी खतरनाक जो है ठंड यहाँ पर हो रखी है, ठंड का कोई जवाब नहीं है भाई। हरियाणा के और पंजाब की जो ठंड होती है ना, और राजस्थान की भी और दिल्ली की भी, ऑब्वियसली बात है वो भी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक ठंड है, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिला ना, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला जिसकी कोई दिल्ली है। तो भाई खाना खा के सोचा कि है ना हाथ धो लेता हूँ, बर्फ़ आ रही है इसमें से, तो यार पानी नहीं आ रहा भाई, बर्फ़ आ रही है, और सामने जो है ना गर्म दूध, देखे दूध पीने की इच्छा हो गई, सबसे पहले लेते हैं दूध, क्योंकि गर्मी में ना सबसे ज़्यादा गर्मी का जापता जिसको बोलते हैं राजस्थानी में, वो ये दूध ही रखता है। आ जाओ भाई ठंड में गरम गरम दूध का आनंद ले लेते हैं साथ। आओ पियोगे, लो पी लो, लो 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 लो, ये बात। ठंड के अंदर यार दूध मिल जाए ना इससे बढ़िया, मतलब मैं तो सबसे बड़ा शौकीन दूध का ही हूँ, तो दारू तो पीते है नहीं, तो दूध का ही शौक होगा भाई, और इतनी ठंड के अंदर दूध मिल जाए गरम गरम मलाई मरावा, क्योंकि बात ही अलग है। हालांकि घर जैसा टेस्ट नहीं है, पर फिर भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो गाइस आज अगर खाने पीने की बात हो ही गई है ब्लॉग के अंदर, तो आपको बता दूं भाई दो ही चीज़ें हैं जिनमें मैं थकता नहीं हूँ, एक तो गाड़ी चलाने में, दूसरा पीने में, लेकिन शराब नहीं, दूध। दूध कितना ही पिला लो भाई, शुरू से मतलब बचपन से पहली मोहब्बत है दूध मेरा। पहले मन था गाड़ी पापा को दे दूँ, लेकिन अब मन हो रहा है दूध पीने के बाद मैं चला लूँगा। भाई साहब एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर कोई काम हो ना तो बिल्कुल भी, अभी दिल्ली टू जयपुर तो छोड़ो, आप हरियाणा की रूट में आ रहे हो ना अगर जयपुर से या फिर कहीं से भी, फॉग में तो बिल्कुल चलाना अवॉइड ही करो। अभी आते वक्त ऐसा खतरनाक फॉग मिला, इतना खतरनाक फॉग मिला, हालांकि जो 5 किलोमीटर का पैच था वो था नीमराना के आगे, नीमराना से लगभग 10-15 किलोमीटर आगे ऐसा पैच मिला ना, 5-6 किलोमीटर का था, लेकिन भाई साहब जो खतरनाक फॉग था वहाँ पे, जो खतरनाक फॉग, मतलब मैं बता नहीं सकता। अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं, एक बार डीजल फुल करा लेते हैं वापस। तो भाई जो टोटल अमाउंट आया वो इतने का भरा, 35 लीटर आया कुछ, 3302.67 रुपये का, 62.63 मतलब 63.63 का, और हालांकि फुल न्यू इसके अंदर ऑटो कट करवा दिया, और ऑटो कट के अंदर जो है 1000 रुपये का तो और आ जाता, मतलब ऑलमोस्ट जो है फुली हो गई एक तरीके से देखा जाए तो, ऑटो कट भी हो गई। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, पसंद आया तो कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में।